हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। ऐसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा जहां अमित इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है। इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मजा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा।
उनकी डायलॉग डिलीवरी, आमिषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। आमिषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वे है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। ऐसे तारा सिंह को सकीना मिली, उससे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरण जीत उफ जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अमित इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद
इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। बस हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वे है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। कैसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहां कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उस जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है।
ये 1971 का समय है जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अमित इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है, और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमिद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है, तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वे है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है, और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफ़ी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। जैसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ, और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उफ जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं
और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अहमद इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है, और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है, तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वे है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में
कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। ऐसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा जहां अमित इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है। इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जान ही फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है।
हमीशा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है, तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वह है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। ऐसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरण जीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उस जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अमित इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है,
तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वह है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। ऐसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उस जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने
एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अमित इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है, और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमिद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है, तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वे है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है, और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफ़ी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। कैसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीत
बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अहमद इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वे है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के
लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। कैसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहां कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अहमद इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में
उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है, तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वह है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में गदर 2 में कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है और इसका निर्देशक अनिल शर्मा ने किया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैन को बेसब्री से था। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैन का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नाना पाटेकर तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। ऐसे तारा सिंह को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे इशरफ अली अपने बेटी को वापस पाकिस्तान ले आ गए। छोटे चरणजीत उस जीत को आप एक बार फिर से अपनी माँ की याद में रोते हुए देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीत को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह की है। तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है और वे आज भी सकीना से प्यार करते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास होता है, जहाँ कर्नल देवेंद्र रावत काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उस जीत बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीत को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अहमद इकबाल तारा सिंह के दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वा कर लाया था, तभी उसे हमीद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उनके जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वे अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुर्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीत पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीत को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां अमित इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह देख रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा, यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ढीली नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकॉप दिखाया जाता है, इसके बाद काफ़ी डोमेस्टिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मज़ा आएगा। फिल्म इंटरवल तक आते आते यह ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है और जैसे ही इंटरवल ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीत पाकिस्तान फौज और हमीद इकबाल से जीत कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछले फिल्म में हैंडपम्प उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वे नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं।
एक से एक बढ़कर एक दमदार सिंह सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वल में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफ़ी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जाने फूंक दी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेश है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा संग मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन काफ़ी बढ़िया है। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से ही जानते थे कि उन्हें फिल्म में किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एंडिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वह है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन भी सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशनल से भरपूर हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहते हैं तो बुरा नहीं होगा।